तो हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डीटीएच केबल टीवी के बारे में ही, और बताऊंगा दोस्तों डीटीएच और केबल टीवी के प्लेटफॉर्म पे लगभग 10 से भी ज़्यादा चैनल बंद पड़े हुए हैं। कौन कौन से चैनल है उसके बारे में ही आज की वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, मैं खुद ही एमएसओ रन करता हूँ, साथ ही दोस्तों बहुत सारे एमएसओ से भी कंप्लेन आ रहे हैं कि एक चैनल आपने देखा होगा इंडिया न्यूज, जी हाँ दोस्तों, जो कि 93 डिग्री पे अवेलेबल है, जी सर 17 वर्टिकल पे। और इस जो इंडिया न्यूज़ जो चैनल है और इसके साथ साथ जितने भी चैनल्स हैं, कोई भी चैनल अभी आपको देखने को नहीं मिल पा रहा होगा। मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ जिसमें फ्रीक्वेंसी है 4076 वर्टिकल और सिंबल रेट रहने वाला है 1600। इसमें इंडिया न्यूज़ हरियाणा, इंडिया न्यूज़ राजस्थान, इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश, इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश, न्यूज़ एक्स, पावर टीवी गुलिस्तान, इंडिया न्यूज़ पंजाब, इंडिया न्यूज़ गुजरात, और उसके अलावा एनडी हरियाणा, जनता टीवी, अवेकिंग टीवी, इंडिया न्यूज़ जोए बंगला, लोकाशी न्यूज़, ऐसे जितने भी चैनल्स हैं इन सभी चैनलों पे नो सिग्नल देखने को मिल रहा है। यानी कि जैसी 4076 और 1600 अगर IRD या ट्रांसकोडर, मेरे पास ट्रांसकोडर है, एक मेरे कोई जानने वाले एम्सो हैं हरियाणा से, उनने भी मेरे को फ़ोन करके बोला था, वो भी लगभग सारे एक्सरसाइज कर चुके हैं और अभी तक वो चैनल ट्यून नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल ये जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, बैकएंड से ही ये इशू है कि ये चैनल ट्यून नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप लोग अगर किसी दूसरे नेटवर्क से देख रहे हैं वीडियो को, तो आपके नेटवर्क पे इंडिया न्यूज़ चैनल आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल मेरे को तो 8 बजे के बाद पता चला था कि ये जो चैनल है डिस्टर्ब चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं नहीं पता था मुझे, लेकिन आज 8 बजे के बाद से ही मेरे को पता चला है कि इंडिया न्यूज़ और उसके साथ साथ जितने भी चैनल्स हैं उन सभी के चैनल डिस्टर्ब हैं। कुल मिलाकर अब बात करूं दोस्तों, तो 4076 और 1600 ट्रांसपोंडर पे जितने भी चैनल हैं वो सभी के सभी चैनल फिलहाल ब्लैकआउट हो चुके हैं। तो इंडिया के सभी डीटीएच और केबल टीवी के प्लेटफॉर्म पे हाईली चांसेस है कि चैनल फिलहाल बंद होंगे। और आपके नेटवर्क का क्या स्टेटस है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ताकि और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले जिससे काफ़ी बेनिफिट हो सके। क्योंकि एक हरियाणा से अभी फ़ोन आया था, उनका कहना है कि उनने सारा मतलब डिश भी ट्यून कर लिया, LNB चेंज कर लिया, सारा कुछ कर लिया, बस जस्ट बिकॉज ऑफ चैनल चल जाए। लेकिन जब प्रॉब्लम्स होते हैं और दूसरे जगह से और सारे एक्सरसाइज करने के बाद आपको भी आउटपुट नहीं मिलता है तो बहुत दुख होता है। डेट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, कि जिन लोगों को अभी तक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर उनके नेटवर्क पे भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो इट मीन्स है कि या तो फ्रिक्वेंसी में ही बैकएंड से इशू होगा, या हो सकता है फ्रिक्वेंसी वगैरह को चेंजेज हुए हों जिस वजह से अभी देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो अगर आपके नेटवर्क पर चल रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, अगर नहीं भी चल रहा है तो भी कमेंट करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप डिजिटल एडिटिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन की ID दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी लाइक फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।